नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। सहारनपुर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट की गई कोशिश, पूरा मामला पहुंचा थाने में। उत्तर प्रदेश के योगी राज में अपराधियों के विरुद्ध लाख कार्रवाई की जा रही हो, लेकिन फिर भी यूपी के बदमाश अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण 20 मार्च की रात को देखने को मिला। पुलिस प्रशासन से बेखौफ बदमाशों ने 20 तारीख के 3:30 बजे रात में जनपद सहारनपुर के थाना बेहट में स्थित एक पेट्रोल पंप पर लूट के इरादे से धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, रुपए लूटने के इरादे से आए बदमाशों को जब पेट्रोल पंप पर कैश नहीं मिला तो उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर हमला करने के साथ ही पंप पर तोड़फोड़ भी की और फरार हो गए। हालांकि यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मां जगदम्बा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप करौंदी के स्वामी ने थाना में मामला दर्ज कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुनिए पेट्रोल पंप के मालिक ने क्या कहा। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं ग्राम करौंदी जंतर रोड सहारनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा पेट्रोल पंप जंतर रोड करौंदी में स्थित है, जहाँ पर आज सुबह 3:30 बजे के आसपास कुछ नकाबपोश बदमाश आए लूटपाट के तरीके से। मेरे जो दो चौकीदार थे उनके साथ बदतमीजी करी, उन्हें पकड़ा, लूटा, बांधा, बंधक बनाया। एक चौकीदार ने भागने की कोशिश करी, उसके पीछे भागे कुछ लोग, उसे पकड़ कर वापस लाए और उन्हें हथियार लगाया, उन्हें मारपीट करी, चक्कू से उनके साथ में घायल किया गया। मेरी SSP साहब से दरख्वास्त है, इस वारदात को का निवारण करे और जो दोषी है उन्हें सजा दी जाए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।